हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है बड़ा एक्साइटेड होने वाला है, तो मैं तुफा को एक सरप्राइज दूंगा। आप लोगों ने कैप्शन तो पढ़ा होगा। तो अभी चलते हैं क्योंकि बर्थडे है कल, तो अभी रात में ही हमें इवेंट जो सॉरी डेकोरेट वाले का फ़ोन आया कि रे हमें इसी रात को ही डेकोरेट करना होगा क्योंकि कल उनका इवेंट है कहीं और, तो कल नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, रात को ही आ जाना, अभी हो रहा है 11 बजे। तो अभी हम जल्दी जल्दी से चलते हैं, उनके लिए मैंने एक रूम सा सजाना है कहीं पे, तो अभी जाके जल्दी से चलते हैं क्योंकि अभी हमें देर हो रही है, फिर और बाकी बातें वहाँ करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि डेकोरेशन वाले आ रहे हैं, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। भाई आप लोग इतने लेट लेट क्या मसला है, इतना काम मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होता होगा। हाँ यार काम बहुत ज्यादा होता है इसमें, थोड़ा सा ये है कि टाइम लगेगा, फिर आपका एड्रेस ढूंढने में भी टाइम लगा इस वजह से। हाँ ये बात भी है। चलो आप खैर खैरत से पहुँच गए, कोई बात नहीं। तो सरप्राइज़ ये था कि मुझे कल ही करवाना था, लेकिन बात ये थी कि भाई के पास टाइम ही था, उन्होंने कहा कि हमें कल एक और इवेंट को तैयार करना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस जगह पे जो मुझे डेकोरेट करवाना है डेकोरेशन, तो इसी वजह से मैंने भाई को बोला कि चलो आ जाओ। तो कल इंशाल्लाह ये सरप्राइज़ अतुफा को अच्छा लगेगा। मैंने अतुफा को यही बोला था कि हम एक ऐसी रेस्टोरेंट पे जाके और अपने जो भी केक वेक कटिंग करेंगे, लेकिन ये सरप्राइज़ को नहीं बताता। ये जब अभी बनेगा तो आप लोगों को भाई हमें ना उसी तरह चाहिए जिस तरह वो तस्वीर मैंने दी। हाँ ठीक है, सब कुछ फाइनल हो गया, बहुत थक गया हूँ। अभी रात के 2 बज रहे, वो लोग चले गए जो डेकोरेशन करने वाले आए थे। ये देखो बस ऐसी मैंने सिंपल सा सजाया, तो मैंने सोचा तुफ को इस तरह सरप्राइज देते हैं। उनको तो अभी खैर पता नहीं है, उन्होंने मुझे कॉल किया कहाँ पर, मैंने कहा कई दोस्त के घर पर तो इसी वजह से मैंने ये सब कुछ करवाया। ये देखो खैर, लेकिन थैंक यू सो मच। और ये इनका जो है ना कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं अपने लिए जो भी इवेंट का मेहंदी वगैरह जो भी हो, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो चलो इंशाल्लाह अभी मैं चलता हूँ घर, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी मैंने खुद को तैयार करके थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के अभी मैं निकला हूँ। केक जो मैंने केक का ऑर्डर दिया था, अभी मैं केक वहाँ से ले रहा हूँ बेकरी से, तो फिर उसके बाद हम तुफा के पास जाएंगे। और कंटिन्यू रहिएगा क्योंकि मैं जो सरप्राइज दे रहा हूँ तुफा को, वो तो आप लोग देख लो, तो मैंने पहले से ही लिया हुआ था, तो मैंने कहा उसको मैंने पैकिंग सब कुछ करवा दिया, तो आप लोग देख लोगे मैं तुफा को क्या गिफ्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं जाके पहले सबसे पहले केक लेते हैं, फिर उसके बाद तुफा को लेने जाएंगे। फिर हम उनको कहेंगे चलो भाई रेस्टोरेंट कौन सा रेस्टोरेंट जाना है, इस तरह कुछ एक्टिंग करेंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता इस सरप्राइज के बारे में। तो चलो मिल केक लेने आते हैं हम। थैंक यू भाई, आप लोगों ने जो भी केक ऑर्डर करना है भाई से ऑर्डर करो। इस बेकरी का नाम बताएंगे नहीं क्योंकि फिर प्रमोट हो जाएगा। प्रमोशन नहीं करना, जब पैसे होंगे तभी करना। थैंक यू भाई, अभी मैं केक वेक पैक करके अभी मैं जाऊंगा तो फोटो लेने, फिर उसके बाद दिखाएंगे आगे का सब। ये लो भाई केक हो गया, केक रख दिया फाइनली, अभी जाएंगे पहले गेट दरवाजे को बंद करेंगे, अभी जाएंगे तोहफा को लेने। केक वेक तो हो गया अभी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह सरप्राइज की तरफ। ओके गाइस अतुफा आ चुकी है। हेलो हाय, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और प्यारा हूँ। तो अभी हम जाएंगे कहीं से होटल, कौन सा रेस्टोरेंट पे चले यार, सेलिब्रेट करते हैं, केक वेक ही तो काटना है ना। चलो फेवरेट तो है नहीं मेरा। अच्छा इसका दिल भी नहीं था कि मैं बर्थडे करूं, ये वो बच्चों वाले काम में बड़े हो गए। हां बड़े हो गए। ओहो चलिए कोई बात नहीं, आप लेकिन अच्छा एप्रिशिएट कर। हां आप कह रहे हैं मेरी बर्थडे में आप का एप्रिशिएट। अच्छा नहीं लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं जी, बोले
अच्छा मतलब गिफ्ट भी चाहिए होता है क्या? मतलब पिछले साल भी तुमने कुछ नहीं दिया था मुझे। अच्छा मैंने कुछ ना कुछ लड़ाई हो। चलो पुलिस खड़ी हुई है भाई, ट्रैफिक हो रहा है, चलते हैं फिर बात करते हैं। तुफा कब से पूछ रही है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब ये आपने यहाँ का तो अभी बताया नहीं ना किसी को? हाँ, वो भी सरप्राइज नहीं, लेकिन अभी आपके लिए सरप्राइज है। तुम बता, गाड़ी आ रही है कैसे? नहीं गाड़ी नहीं, हम बाइक आ रही थी। तो मुझे अभी आपके लिए सरप्राइज है। ओके खुशी तो हो रही है, लेकिन मतलब ये क्या बात है? मैं समझा कि मुझे अच्छी से खुशी होगी। ख्वाब में सोच रही हूँ क्या क्या हो सकता है। देखो मैं खुद सोचती हूँ ना, फिर मेरा दिल दुखता है। अच्छा चलो ठीक है, पहले सबसे पहले हम गाड़ी गाड़ी करेंगे। मैंने पे सोचा था, मैंने अल्लाह को पहले कर था पर सॉरी 15 प्रो मैक्स, लेकिन वो तो बलून्स भी उड़ गए थे। अच्छा, मैं कुछ ही नहीं बोलने ना मैं सोच रही हूँ। अच्छा मतलब उम्मीद ही नहीं है मुझसे, मुझसे उम्मीद ही नहीं है, मतलब मुझसे उम्मीद ही नहीं है। नहीं उम्मीद के बाद नहीं है, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स करती है, पहले से नहीं सोचा ना मैं तो। अच्छा तो गाइस अभी मैं तुफो को लगा, मैंने इनको बोला तुम तब तक बाहर खड़ी रहो जब तक मैं ना आऊं। मेरे घर से मुझे बाहर रखा। अच्छा चलो चलो ना, मुझे एक्साइटेड कर रहे हो सरप्राइज। अच्छा चलो आओ। और भी ठीक है आना, और भी लोग हैं। यस चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यार क्या कर रही हो यार, एक मिनट आ जाओ आ जाओ। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। देखो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया यार, देखो तो सही। कब किया? हाँ मैंने ये रात और रात किया, रात के 11 बजे किया एकदम। मैंने रात 11 बजे 12 बजे मैंने तैयार किया। वेलकम वेलकम, चलो आ जाओ बैठ जाओ। अरे क्या फेक रिएक्शन लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई खुशी नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ एक पास हो रहा है। थैंक यू सो मच। नहीं तो आपको थोड़ा सा ना रिएक्शन वाओ जैसे कह रहे हैं वाओ। मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती। खैर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसा लगा सेटअप? बहुत 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 ये फील है। अच्छा थैंक यू, आप ही हसीन लगे। मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए बस चाहिए। हो गया ना इतना सारा सरप्राइज, इतना सारा मैंने खर्चा किया है, ये आपको नहीं दिख रहा? पहले भी नहीं दिया। अच्छा चलो सबसे पहले ये पूल ले लो, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये गिफ्ट है मैं आपके लिए। नहीं गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए होता है शादी के बाद पहले बर्थडे में गिफ्ट। क्या यार गिफ्ट, हम गरीब लोग कहाँ से। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे माय लव, खर्चा किया था मैंने। अच्छा चलो आगे। ओके मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा। कहा था मैंने? अच्छा ये लो दिखा। आईफोन सेल। अच्छा करो ये कुछ तो है। अच्छा करो मैं
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, कितने टाइम से तरस रही थी आईफोन के लिए। यार मैंने इतना अच्छा सा सेटअप बनाया था, इतना अच्छा सा, थैंक यू सो मच गाइस। आपने कहा था लास्ट व्लॉग के कमेंट सेक्शन में कि अतुपा को 15 प्रो मैक्स दे दो, तो इब्राहिम को थोड़ी सी शर्म आ गई, इब्राहिम ने दे दी। नहीं नहीं, मैं गाइस ये बार बार बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बर्थडे पे दूंगा। मेरी तो 28 को बर्थडे है गाइस, याद रखना, अगर किसी को गिफ्ट देना है तो मुझे बता देना जरूर, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे और हमेशा तुम्हें इसी तरह मेरे साथ रखे, और बहुत 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 ज्यादा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हर साल तुम इसी तरह खुशी मनाओ, हर साल तुम इसी तरह खुशी रहो, खुश रहो। आ तो किसके साथ आ, तो मुझे पता है मेरे साथ रहोगी इंशाल्लाह, हम तो आप लोग भी खुश रहो। अगर किसी को ये व्लॉग, अगर सबको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बहुत सारा प्यार बरसाओ। ओके गाइस बाय।